हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज लेकर आई हूँ फिर से एक न्यू वीडियो, और मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। तो जिस तरह से गैस का प्राइस ज़्यादा हो रहा है एलपीजी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी जो इंडक्शन है इंडक्शन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मगर कभी कभी ये दिक्कत होती है कि हमें अच्छी तरह से जानकारी नहीं रहते हैं कि इसे किस तरह से यूज़ करना चाहिए, क्लीन कैसे करना चाहिए, और किस तरह के बर्तन इसमें यूज़ करना चाहिए, और इसका इलेक्ट्रिसिटी कैसे मतलब आते हैं, ये अच्छी तरह से जानकारी नहीं रहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन मुझे भी पहले बहुत थी, तो अभी मैं भी देखिए इंडक्शन में गैस से ज़्यादा मैं इंडक्शन में ही प्रेफर करती हूँ, और ज़्यादा खाना वाना पकाना मैं इंडक्शन में ही करती हूँ। और यकीन मानिए बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं है। तो चलिए आज सब कुछ आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। और आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखते देखते अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ हर तरह के एलुमिनियम, ये स्टील का, और ये फाइबर का, और ये लोहे का, ठीक है, बहुत तरह तरह टाइप के मैंने जो वैरायटी है बर्तन का वो मैंने रखा है। तो कौन सा बर्तन यूज़ करना चाहिए कौन सा नहीं, ये मैं बताती हूँ। और उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जब भी आप इंडक्शन ख़रीदें, देखिए ये फिलिप्स का है और इसमें हर तरह का ऑप्शन दिया गया है। ये चलाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस ऐसे प्लग है, प्लग में लगा लीजिए और फिर इसको यूज़ कीजिए। तो पहली बात तो ये है, आप लोकल जो कंपनी का जो इंडक्शन है वो मत खरीदिए, क्योंकि उसका तो कोई वारंटी नहीं रहता है, कभी भी ख़राब हो सकते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रिक कॉस्ट है वो भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो जब भी आप ख़रीदेंगे तो अच्छे जो ब्रांडेड कंपनी है उसका ही ये इंडक्शन ख़रीदिए। और दूसरी बात ये है, चलिए मैं इसको ऑन करती हूँ। ये देखिए ऑन हो गया है, और इसको ऐसे प्रेस कीजिए। अभी देखिए इसमें बहुत सारे हैं, मैं मैनुअल करती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाना मैं मैनुअल में ही करती हूँ। तो इसको बर्तन रखना चाहिए, नहीं तो ये बीप बीप आवाज़ होते, साउंड होते हैं। ग्रेवी के लिए अलग है, रोटी के लिए अलग है, मिल्क के लिए, देखिए सिम मिल्क सिम में आएगा मिल्क वाटर। आप स्लो कुक चाहे तो स्लो कुक कर सकते हैं, इधर खाना मतलब बर्तन रख के खाना हो रहा है, आप चाहे कोई काम कर सकते हैं, मगर सामने ही रहना चाहिए। और फिर देखिए स्टेयर फ्राई, कुछ आप फ्राई कर रहे हो, फिर ये डीप फ्राई, अरे प्रेशर कुकर के लिए, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग स्लो कुक में कर सकते हो, मैं तो जब मैनुअल में ही करती हूँ, मतलब ये जो टेम्परेचर है इसमें ही सब कुछ हो जाते हैं। और अगर आप चिकन वगैरह ग्रेवी का कुछ कर रहे हो तो ग्रेवी आप लगा दीजिए ग्रेवी। और आप टाइमर मैं सेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं आसपास ही रहती हूँ, जब खाना बनाना हो तो आसपास ही रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि टाइमर दे दिया फिर भूल जाएंगे तो खाना ख़राब हो सकते हैं, वो गैस में भी हो सकते हैं और ऐसे इसमें भी हो सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या इसमें करंट लगता है? जी बिल्कुल नहीं, कोई भी गर्म नहीं है, कोई भी हीट नहीं है, कोई भी करंट नहीं है। देखिए इधर तो इंडे जो बर्तन है इधर रखना चाहिए, मिडिल में रखना चाहिए, और देखिए इसमें मैं हाथ दे रही हूँ, इसमें कोई भी, फिर भी मुझे डर तो लगता ही है। ये देखिए कोई भी करंट नहीं है, कोई भी करंट कुछ ऐसा कुछ डर नहीं है, बच्चा घर में है तो आके हाथ लगाएगा, कुछ भी नहीं होगा, देखिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही सेफ़ है, गैस से ज़्यादा सेफ़ है। हाँ तो मुझे तो ये, अब तो मैं यही में ज़्यादा कुकिंग करती हूँ, गैस को मैं अभी भी करती हूँ, क्योंकि गैस का प्राइस अभी तो 1100 ऐसे हो गया है। और इसकी इलेक्ट्रिसिटी मैं क्या बताऊँ, मैं पूरा महीने भर इसको यूज़ करती हूँ, मतलब 80% मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही कम मैं गैस यूज़ करती हूँ। तो मुझे जितनी इलेक्ट्रिसिटी आता है उससे 200 और 300 ज़्यादा आता है, जितना बिल मुझे रेगुलर आ रहा था जब मैं इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तब 200 से 300 ज़्यादा आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना सेव होगा। अगर आप गैस में करोगे तो हर मंथ आपको 1100 देना पड़ेगा, और इसमें आपको सिर्फ 200 से 300 आपको पे करना पड़ेगा, तो आपका मनी भी सेव होगा। तो अभी दिखाती हूँ कौन कौन सी बर्तन। देखिए कुछ टाइम अगर हम इसमें बर्तन ना रखेंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा,
देखा आपने ऑटोमेटिक ये बंद हो गया है। तो अभी जितना बर्तन है सब में मैं पानी भर के मैं बॉयल करके दिखाऊंगी कौन कौन सा बर्तन इसमें यूज़ होता है, कौन सी बर्तन यूज़ नहीं होगा। फ्रेंड्स पहली बात तो ये है कौन सी कढ़ाई हम इंडक्शन में यूज़ करेंगे। तो इंडक्शन में हम लोहे का कढ़ाई, और ये जो है ये लोहे का कढ़ाई है, लोहे का कढ़ाई हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये लोहे का है और ये जो है इंडक्शन बेस कढ़ाई है। ये इंडक्शन बेस कढ़ाई है और आप स्टील का कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं स्टील में खाना बनाना उतना प्रेफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैं लोहे का कढ़ाई और जो इंडक्शन बेस कढ़ाई ये कुछ मटेरियल से रेडी मतलब तैयार होते हैं मुझे पता नहीं है, मगर इंडक्शन बेस है। और इसका प्राइस 1700 ऐसे शुरू हो जाते हैं, और इंडक्शन का जो कढ़ाई है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, मगर एक बार आप खरीदेंगे तो सालों साल चलता रहता है और इंडक्शन के लिए ये सेफ़ है। मगर इसके सिवा भी हम जो पानी वगैरह गर्म करते हैं छोटा मोटा खाना गर्म करने के लिए हम बर्तन यूज़ करते हैं। तो चलिए कौन कौन सा बर्तन इसमें मतलब यूज़ कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते वो मैं आज आपको बताती हूँ। और एक मज़े की बात ये है, इसे तो हम इंडक्शन में यूज़ कर ही सकते हैं और इसको हम गैस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो गैस में भी इसमें हम कुकिंग कर सकते हैं, तो है ना मज़ेदार, दोनों में ये यूज़ होगा टू इन वन। मगर गैस में जो हम हैंडलियम यूज़ करते हैं कढ़ाई, वो हम इसमें नहीं यूज़ कर सकते। तो इसको मैं मैनुअल में दूंगी। मैनुअल में देने से ज़्यादा जल्दी ये बॉयल हो जाएगा, मगर मिल्क और वाटर में, वाटर है तो मिल्क वाटर में दूंगी तो ये थोड़ा धीरे धीरे होगा, जैसे हम मिल्क इसमें बॉयल करेंगे तो ज़्यादा जल्दी वो उबलेगा नहीं। ठीक है, तो मैं जल्दी दिखाने के लिए मैं मैनुअल में करती हूँ। ऐसे मैं जब बनाती हूँ या गर्म पानी या कोई भी मैं बनाती हूँ तो मैनुअल में ही बनाती हूँ। अगर स्लो कुक चाहिए तो स्लो कुक में दे देती हूँ, और कुछ फ्राई करती हूँ तो स्टेयर फ्राई करती हूँ, फिर ज़्यादा मतलब हीट हो जाते हैं तो स्लो करती हूँ। मतलब आपको जो पसंद है आप उसी हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं तो टाइमर यूज़ नहीं करती हूँ, आप चाहे तो टाइमर यूज़ कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है टाइमर यूज़ ना करना ही अच्छा है। जब हम कुकिंग करते हैं तो आसपास ही रहना चाहिए और खाने पर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इसको बॉयल होने देते हैं। तो देखा दोस्तों, स्टील का हर तरह के बर्तन इसमें आते हैं, ये स्टील चाहे पतला हो मोटा हो, हर तरह के बर्तन में हम दूध पानी या जो खाना होते हैं, सिर्फ कढ़ाई में खाना पकाना तो नहीं होता है, खाना हम खाने से पहले गर्म भी करते हैं, जैसे मॉर्निंग में खाना बनाते हैं और रात में गर्म करते हैं, तो बाउल में रहते हैं तो शॉर्टकट में हम बाउल में ही गर्म करते हैं खाना। तो इस तरह के बर्तन में आप जो इंडक्शन है उसमें आप खाना भी गर्म कर सकते हैं। तो देखिए, जब मैंने एल्युमिनियम के बर्तन में पानी लगाया, इसमें मैंने सेट किया है, तब देखिए बीप बीप साउंड हो रहा है, मतलब एल्युमिनियम चलता नहीं है। ठीक है, सिर्फ लोहा चलते हैं और स्टील का बर्तन ही इंडक्शन में चलता है, एल्युमिनियम बिल्कुल नहीं चलता है। देखिए, जब कोई नहीं चलेगा जो बर्तन, कोई खराबी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बस इस अपना सिग्नल देगा कि ये बर्तन नहीं चल रहा है। ठीक है, और ये जो फाइबर का बर्तन है ये तो चलेगा ही नहीं, ये हम सबको पता है कि हीट में फाइबर बिल्कुल नहीं चलता है, फाइबर ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुकिंग करते रहते हैं तो ख़राब हो जाएगा, ऑयल वगैरह छिटकेगा और ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको कैसे क्लीन कर सकते, इसको आप कॉलिन से क्लीन कर सकते हैं, और सबसे ईजी है जो स्कॉच ब्राइट है, देखिए ये नरम वाला है, ऐसे मतलब वो राफ वाला नहीं है, जो नरम हो जाते हैं जो स्कॉच ब्राइट और विम बार, उससे मैंने इसको हल्का से ऐसे जैसे हम बर्तन साफ करते हैं बिल्कुल उस तरह से हल्के हाथों से कीजिएगा। देखिए पानी लगेगा फिर भी कुछ नहीं होगा, आप ऐसे क्लीन कीजिए, फिर एक ड्राई नेकड़े से इसे ऐसे रेगुलर आप क्लीन कर सकते हैं, इससे कुछ खराबी नहीं होगा। और आपका जो इंडक्शन है वो भी देखिए चकाचक रहेगा, एकदम नया जैसा रहेगा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मुझे जितना जानकारी थी आपको दे पाई हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन है और मुझे छूट गए हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय।